के लिए इसमें थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब इसको एक आखिरी बार ढक कर हमें इसे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाना है। चलिए 2 मिनट हो चुकी है और ये हमारे देसी मसालेदार पास्ता रेडी हो चुके हैं। तो कैसी लगी आपको ये पास्ता की रेसिपी, और आपको और कौन से पास्ता की रेसिपीज देखनी है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपके साथ वो सारी रेसिपीज शेयर कर सकूं।